गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी में। साथियों, आज जो है लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है हमारा। आपको पता है मंडे टू फ्राइडे जो हमारी लूसेंट की क्लास चल रही है वो कब से कब तक चल रही है? मंडे टू फ्राइडे मतलब सोमवार से शुक्रवार तक। क्या चल रही भैया? आधुनिक इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है? तो कहने का तात्पर्य है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, चलो स्वागत है ना। आप लोगों ने सिख धर्म पढ़ा रहे थे और सिख धर्म में हम लोगों ने नौ गुरु तक कंप्लीट कर लिए थे। नवे जो गुरु थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, लास्ट के बचे थे गुरु गोविंद सिंह। एवं आज मैंने कहा था प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, तो आपके लिए हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट भी छपवाया है। मतलब भाई साहब आप देखो, आपके लिए हमने सारे के सारे प्रश्न भी छपवा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य रहे सारी प्रैक्टिस भी करेंगे भी, और उसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे गुरु गोविंद सिंह उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। प्रीतिश कुमार, स्वेटी, चलिए सब बच्चे आ चुके हैं, बहुत जबरदस्त। हाँ, राजस्थान से जय हो जय हो जय हो, गुरु जी प्रणाम, खुश रहो बच्चे। तो फटाफट वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एक जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए साथियों, अपनी क्लास शुरू होने से पहले आप सबको पता है कि एक बार गायत्री माता का उच्चारण किया जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता की। सब बच्चों को सद्बुद्धि दें प्रधान ने, और सब बच्चे भाई साहब अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। फटाफट वीडियो को क्या कर दो, जितने बालक बालिका जितनी बहने हैं सबके सब वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर दो। लूसेंट में धमाल मचाना है सोमवार से शुक्रवार, तो जुड़ना है शाम 7 बजे राघव सर के संग। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ भाई साहब देख लो फिनिक्स एकेडमी। चलो फिनिक्स की ओर, नया दौर नई सोच, मतलब फिनिक्स एकेडमी। ठीक है, चलो फिनिक्स की ओर, नया दौर नई सोच, फिनिक्स एकेडमी। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव भाई साहब एक अपने आप में बेहतरीन एकेडमी है। और ये मान लेना जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं भाई साहब यहां का पढ़ाया कहां तक पेपर में भाई साहब छपता है। ठीक है, चलिए आज तो मस्त लग रहा है, अच्छा मस्त लग रहा है। चलिए बच्चे अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहले क्लास में देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हमको पढ़ना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, क्योंकि भाई साहब सिखों के अंतिम एवं दसवें गुरु। सब बच्चों को पता है भाई साहब, क्या पता है? तो ना पता हो तो मैं बता भी दे रहा हूं, सिखों में टोटल 10 गुरु हुए, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह को कहते हैं अंतिम एवं दसवें गुरु। सिखों में क्या कहते हैं, तो यहां पे याद रखिएगा, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन भैया हुए? तो सबको पता है मेरे बच्चे गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे, मतलब 10वें नंबर के गुरु थे। कहां के? सिख संप्रदाय के। और सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक जी। सबसे कोई शिकायत नहीं, बस एक शिकायत है, अगर तुम्हें क्लास समझ में आ रही हो अच्छी लग रही हो तो तुम्हारा लाइक रुकना नहीं चाहिए भाई साहब। अगर लाइक रुक गया तो भाई साहब हमारी तुम्हारी मोहब्बत जो है ना दिल से दिल कम हो जाते। अच्छा आप आते हो यूट्यूब पर हिला देते हो भाई साहब, अगर हिलाने की बात करते हो पूरी कक्षा को तो भाई साहब एक चीज कहना चाहते हैं, दबा के तुम लोग लाइक शेयर क्यों नहीं करते यार, इतना तड़पाते हो मास्टर को, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, तो इतनी बात समझ में आ गई, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। क्लियर हो गई बात? आप बहुत ध्यान समझना,
गुरु गोविंद जी का एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे उनका नहीं पूछा जाता है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ, और कहां पे हुआ? तलवंडी में हुआ। इसी प्रकार इनका भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु गोविंद जी का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 1666 ईस्वी में, और कहां हुआ, तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी मोर पटना मा, बिहार की राजधानी मोर पटना मा जन्म हुआ कई का, सिखों का अंतिम गुरु, दसवा एवं लास्ट कई का नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 1666 ईस्वी में, कहां पर हुआ, तो आपको याद रखना है पटना में हुआ। कब हुआ? 1666 ईस्वी में। अब बहुत ध्यान से बात समझना मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये गुरु गोविंद सिंह ही थे, आपको पता है, जो एक प्रकार से कौन थे, अमरदास जी। उन्होंने सिखों में सैनिक व्यवस्था लागू कर दी थी, सैन्य व्यवस्था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया भाई साहब, सैन्य व्यवस्था को कन्वर्ट कर दिया, सैन्य व्यवस्था को कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई साहब? कन्वर्ट कर दिया मतलब परिवर्तन कर दिया, किसमें? खालसा पंथ में। तो पेपर में लपेट के प्रश्न आता है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन, तो सबको पता चल गया फाउंडर ऑफ खालसा पंथ के कौन है भाई साहब? गुरु गोविंद सिंह। अब बात आ जाती है खालसा पंथ की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना होती है, और ये एक ऐसा पंथ है जिसमें भाई साहब 80,000 सैनिकों का पूरा क्या बनाया गया, संगठन, 80,000 सैनिकों का संगठन जिसको कहते हैं खालसा पंथ। और कब? 13 अप्रैल 1699 को, और याद रखिएगा बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया फटाक से जबरदस्त वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारा तुम्हारा मामला ही कुछ पेचीदा टाइप का है। अगर तुमको भाई साहब नहीं, मनोज महाजन लूसेंट की क्लास बंद नहीं की है, लूसेंट की क्लास हमने पहले ही बताई है कब से कब तक चलती है भाई साहब, मंडे टू फ्राइडे और शाम को सात बजे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। और अभी तक भाई साहब गुड इवनिंग बच्चा, क्या बात है, जबरदस्त है ना। चलिए कोटि कोटि प्रणाम। चलिए मेरे बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त, सारे बच्चों को मजा आ रहा है, क्या बात है। अच्छा आज व्हाइट बोर्ड पे सर मैं पढ़ा रहा हूं, क्या बात है। चलिए थैंक यू माई ऑल लवली स्टूडेंट। देखो इंग्लिश नहीं आती बट बोलने की कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? तो वीडियो को दबा के शेयर करो, क्यों भाई साहब? मंडे टू फ्राइडे लूसेंट जीएस भाई लागो सर इन द फिनिक्स एकेडमी, ओनली एंड ओनली फिनिक्स एकेडमी, टाइम इवनिंग 7 PM। क्लियर है? चलो बच्चे बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छा स्क्रीन शॉट लेना है? ले भैया, पटना आना तो जरूर मुझसे मिलना, क्या बात है, जबरदस्त, जरूर बेटा मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है? लव यू माई ऑल डियर स्टूडेंट। चलिए बेटा फटाक से इसका वीडियो को क्या करो, स्क्रीन शॉट खींचो, बहुत मजा। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर खालसा पंथ की स्थापना हुई कहा, तो मेरे बच्चे छोटी सी बात करता है तू, खालसा पंथ की स्थापना जो है वो ये आनंदपुर साहिब में, खालसा पंथ की स्थापना कहां पर हुई है भाई साहब? आनंदपुर साहिब में। लो भैया और कोई डाउट यार, तू प्रश्न कर, जवाब मेरा होगा, तेरे लिए ही तो मैं यहां पे खड़ा होता हूं दिन रात मेहनत करने के लिए, और मुझे क्या गम भाई साहब, ठीक है? चलिए जबरदस्त, क्या बात है। बहुत बढ़िया,
अच्छा करंट भी पढ़ाए, भाई साहब पढ़ाया जाएगा ना। फिर आगे बात समझो, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, संपूर्ण सिख संप्रदाय, सिख समुदाय, गुरु गोविंद जी ने संपूर्ण सिख समुदाय को क्या कहा, खालसा कहा, खालसा कहा। और ये जो खालसा पंथ की स्थापना है ना, खालसा पंथ में टोटल कितने सैनिक थे, तो आपको याद रखना टोटल 80,000 सैनिकों का संगठन था ये, 80,000 सैनिकों का। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, 80,000 सैनिकों का संगठन था जिसका नाम क्या है, खालसा पंथ, याद रखिएगा। ठीक है, इधर भाई साहब संपूर्ण सिख समुदाय को क्या कहते हैं, खालसा कहते हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ मजा आ रहा है, क्या बात है, जबरदस्त। तो फटाक से वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्या बात है बच्चे, बिल्कुल 80,000। चलिए अब फटाक से स्क्रीन शॉट हो गया, आगे बढ़े चलो। अब भाई साहब यहां पे लगा लो, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में समझ लो भाई साहब, क्या समझोगे, गुरु गोविंद सिंह ने पुरुष, जितने भी पुरुष सिख हैं, पुरुषों के नाम के आगे, पुरुषों के नाम के आगे क्या जोड़ने का सिस्टम चला है, सिंह। फिर ये भी याद रखिएगा, महिलाओं के नाम के आगे कौर, महिलाओं के नाम के आगे कौर शब्द। तो ये पेपर में बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आते भाई साहब, मजा आ जाता है, ठीक है, जबरदस्त। फिर बात समझना मेरे बच्चे, क्या समझेगा तू मेरे लल्ला, मेरे बउआ, समझो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा पुरुषों के नाम के आगे सिंह लगेगा, महिलाओं के नाम के आगे कौर लगेगा। साथ में भी बताया कि पांच चीजों को रखना इन्होंने अनिवार्य बताया, प्रत्येक सिख को पांच चीजें रखना अनिवार्य, प्रत्येक सिख को पांच एक प्रकार से चीजें रखना अनिवार्य। अब भाई साहब वो पांच चीजें कौन कौन से जो अनिवार्य रहे, तो याद रखिएगा, केस, केस का मतलब होता बाल, ठीक। फिर भाई साहब कंघा, ये लोग बाल भाई साहब बांध देते उसके बाद कटाते तक नहीं, ये मान जाओ, ठीक है। फिर बात सुनना, केस, कंघा, कृपाण, और कृपाण का मतलब पता क्या होता है, कृपाण का तलवार छोटी वाली, ठीक। फिर यहीं पे कच्छा, ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य इतना जबरदस्त है, इतना बढ़िया है कि आप कह सकते हो बिल्कुल भाई साहब एक एक प्रश्न समझ में आएगा। और जैसे घड़ी में पहना हूं भाई साहब, ऐसे वो लोग क्या पहनते हैं, कड़ा, कड़ा। तो कहने का तात्पर्य केस, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, ये पांच चीजें प्रत्येक सिख को अपने पास रखना अनिवार्य बता दिया। किसने बता दिया भाई साहब, ये बता दिया गुरु गोविंद जी ने, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात समझना मेरे बच्चे बहुत ध्यान से, इनकी दो पत्नियां थी, किसकी, गुरु गोविंद सिंह, इनकी दो पत्नियां थी, दोनों पत्नियों के नाम थे, एक का नाम था सुंदरी और एक का नाम था जीतू। सुंदरी और जीतू दो पत्नियां थी गुरु गोविंद सिंह के, दोनों से मिलके पांच पुत्र थे, सॉरी चार पुत्र भी थे, और बड़े जबरदस्त नाम थे भाई। जोरावर सिंह था एक, था जुझारू सिंह था,
जोरावर सिंह, जुझारू सिंह, अजीत सिंह, अरे बड़े तबड़े तबड़े नाम थे भाई साहब, जुझारू, जोरावर, एक प्रकार से बेहतरीन बेहतरीन नाम थे। और फिर कर हर मैदान फतेह, मतलब फतेह सिंह। और जोरावर तो जानते ही होंगे, जोरावर भारतीय क्रिकेट टीम के जो ओपनर बल्लेबाज लेफ्ट हैंड के शिखर धवन है उनके बेटे का नाम है जोरावर, ठीक है। तो जोरावर सिंह, जुझारू, अजीत सिंह और फतेह सिंह, ये चारों के चारों पुत्र थे किसके, भाई साहब गुरु गोविंद सिंह जी के। क्लियर है? चलिए सर, कच्छा क्या होता है? बहुत लोग कच्छा का मतलब ये वाला, ये हो गया कृपाण, और कच्छा होता है तलवार वाली छोटी सी। चलो क्लियर होगी बात? हाँ, जबरदस्त, इतनी बात समझ में आ गई होगी, जबरदस्त भैया। जबरदस्त मेरे बच्चे, पटाख से वीडियो को लाइक करते रहना, तुम लोग शेयर करते रहना, तुम ही तो मेरे हो दिल के टुकड़े। चलो इतनी बात समझ में आ गई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर जी कह रहे बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा स्क्रीन शॉट लेना है, ले लो भाई साहब। लिया मेरे पास सुनना भाई साहब, इनकी एक आत्मकथा भी है, गुरु गोविंद जी की एक आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी भी है, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है विचित्र नाटक। क्या नाम है? विचित्र नाटक। विचित्र नाटक किसकी ऑटोबायोग्राफी भैया? गुरु गोविंद सिंह जी की विचित्र नाटक एक प्रकार से ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर है? चल क्लियर, बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए भैया, जबरदस्त। हाँ एक बच्चा कह रहा सर इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था कृष्ण अवतार, बिल्कुल कहां पर की थी? तो भाई साहब तुम अगर ये बात कहो और मैं उसको मानू ना तो दिल में चैन कभी आएगा ही नहीं। चलो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने एक रचना की थी, एक ग्रंथ था जिसका नाम था कृष्ण अवतार। क्या नाम था? कृष्ण अवतार। अब बहुत बड़ी चीज बता दूं, पेपर में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कृष्ण अवतार जो है, कृष्ण अवतार जो है भाई साहब कह सकते हो ये एक ग्रंथ था, और ये लिखा कहां गया था पेपर में ये प्रश्न आया था। तो याद रखिएगा पाउंटा नामक स्थान पर, कौन सा नामक स्थान पे? पाउंटा नामक। अब एक बार अभी पूछा जाएगा, पाउंटा जो है वो भाई साहब किस राज्य में पड़ता है? तो भाई साहब वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? तो पाउंटा नामक स्थान कहां पड़ता है भैया? पाउंटा नामक पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और इस पाउंटा नामक स्थान पे गुरु गोविंद सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो आपको पता चल गया कृष्ण अवतार। क्लियर है? चल हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है भाई, वीडियो को थोड़ा सा फैलाओ है, इधर उधर फैलाओ है ना, क्या अलग राघव सर की बेइज्जती कराने में यार तुम लोग तुले हो ना भाई साहब, इतने भी बुरे नहीं है कि इस तरह बेइज्जती कराओगे, है ना, थोड़ा सा शेयर वेयर करो, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं इस करते भाई साहब, ठीक से मिला फोन ना रिसीव करे 10 बार मिलाओ, ठीक। चलो क्लियर बात? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आगे बढ़े तो आगे तो बढ़ना ही भाई साहब, ठीक है। अब देखो
गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई थी। हत्या कब हुई? 1708 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा कहां पर हुई। पेपर में यह बहुत पूछा था, नादेड़ नामक स्थान पे। और नादेड़ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। क्लियर है? किसके द्वारा हत्या की गई? द्वारा, तो याद रखिएगा, एक पठान था जिसका नाम था अजीम खान। अजीम खान, अजीम खान नामक पठान के द्वारा हत्या की गई। किसकी की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हत्या की गई। क्लियर है? क्लियर भाई साहब? बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। तो भाई साहब जब मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा लाइक शेयर कहां जा रहा है कि नहीं? अगर तुम्हारा लाइक शेयर इधर उधर चला जाएगा फिर भाई साहब हम क्या करेंगे? पियांजो तो है नहीं मेरे पास कि पियांजो बजाऊंगा, है ना? चलो क्लियर है, जबरदस्त मेरे बच्चे, शाबाश। हरियाणा कैथल से नमस्कार, प्रणाम, खुश। इतनी बात पूरी पता चल गई, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई। कब हुई भाई साहब? 1708। ठीक है, सीमा यादव सर जी नमस्ते, पहली क्लास से नोट्स बनाते हुए फाइनली आज आपकी क्लास में पहुंच चुके। हमसे ज्यादा मेरी 5 साल की बेटी अदिति आपका क्लास सुनने के लिए परेशान रहती है। अरे बच्ची को बहुत सारा प्यार मेरा इस मास्टर का, छोटा सा मास्टर हूं अभी यूट्यूब पे, ज्यादा बड़ा मास्टर तो नहीं हूं, बट आप लोगों के सहयोग रहेगा तो भाई साहब एक दिन सब बच्चे पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश है यार, पता है क्या कोशिश है, कि जीएस में वो चीजें पढ़ी जाए जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, और किस तरह पढ़ी जाए वो मेथड मेरा सिखाने का मेन मोटिव है, मेन कर्तव्य है, इतना मान। गुल खा थी सर, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते आगे, जबरदस्त। बुक में गुल खा लिखा है यार, लिखा रहने दो यार, हमारे ऊपर भरोसा करोगे? थोड़ा सा भरोसा करोगे? नहीं करोगे यार। मेरा बच्चा बुक के पढ़ा पाई से बुक के अब तक पढ़ लेता, क्यों मेरे पास आया तू, है कि नहीं? चल इतने बच्चा मेरे लल्ला, मेरे बच्चे की बात याद आ गई, क्लियर हो गई। अब बच्चे गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूरा का पूरा मामला यहां पे समाप्त हो गया। अब वक्त है कि आपने सिख गुरुओं से क्या सीखा, सिख गुरुओं को कितना अच्छे से पढ़ा, सिख गुरुओं का कितना अच्छे से अध्ययन किया, उसकी बारी है, उसके सवाल करने हैं। तो सब बच्चे फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कराए और कह दो तूफानों से अब रुकने वाले राघव सर नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं। चलिए जबरदस्त आगे बढ़ा जाए भैया, चलो तो अब पहुंचा जाए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग भी करते हैं हम लोग, है ना? आ गया मेरे बच्चे, पहला प्रश्न आ गया तुम्हारे सामने भाई साहब, तुम्हारे सामने पहला प्रश्न आया। चलो फिनिक्स की ओर, नया दौर नई सोच। चलो फिनिक्स की ओर, नया दौर नई सोच, फिनिक्स एकेडमी, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जितने बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग उत्तर प्रदेश के माननीय महोदय आदित्य योगी नाथ जी ने आदेश दे दिया है कि सभी भी शिक्षण संस्थान, व्यवसायिक संस्थान जितने भी हैं, 16 अगस्त से ओपन हो जाएंगे। तो भाई साहब 16 अगस्त से फिनिक्स दरबार भी अपने आप में सज चुका होगा और बच्चों की सफलता के लिए एक नया कीर्तिमान रचेगा। चलिए चालू करते क्लास को ना। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। गुरु नानक जी तो एक प्रकार से क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे,
सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। फिर याद रखिएगा, इनका उत्तराधिकारी कौन बना भैया? गुरु अंगद जी। और गुरु अंगद जी किस नाम से फेमस थे? तो याद रखिएगा, लहना के नाम से। लहना के नाम से फेमस थे कौन? गुरु अंगद। और ये भी याद रखिएगा, गुरु अंगद ने एक लिपि विकसित की थी जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। क्या नाम था? गुरुमुखी लिपि। किसने भैया? गुरु अंगद जी ने। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई मेरे बच्चे? जबरदस्त। फिर यहीं पे अगला प्रश्न देखते हम लोग। जबरदस्त भैया, चलो बढ़ो आगे। दो नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? बस इतना देखना है तुम लोगों ने हमसे कितना अच्छा सिख संप्रदाय को पढ़ा है। हमें नहीं लगता भाई साहब सिख संप्रदाय को तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, तभी तो आंसर नहीं कर पाओगे, बाकी कर ले जाओगे। चल बहुत बढ़िया, फटाफट। तो दूसरे नंबर का आंसर बताओ फटाफट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की गुरु नानक जी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास ने, गुरु अंगद ने? जल्दी से बताओ बच्चे, बहुत बढ़िया। गुरु अंगद मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो अब बात करते आगे की तरफ। अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न बताओ, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया? पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? जल्दी बताओ भैया, तीसरे का आंसर देना है ताबड़तोड़ तरीके से। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? चलिए सबका आंसर आ गया डी, बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई साहब गुरु रामदास जी की पत्नी का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में मिली थी। 500 बीघा जमीन दान में मिली थी। किसने दिया था भैया? अकबर ने। अकबर ने प्रदान किया था। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा बच्चे, क्या बात याद रखोगे? जो बीबी भानी ने भाई साहब जमीन पाई थी, ये होत किसकी रहेगी? उनके पति की। तो इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना कर दी। अमृतसर का पूर्व नाम क्या था? रामदासपुर। और इस नगर को स्थापित करने के लिए अनुयायियों ने चंदा इकट्ठा किया, और उस चंदे को जो वसूलता था उसको कहा जाता था रामदासी। क्या कहा जाता था? रामदासी। चलो अगला प्रश्न देखते बच्चे, चार नंबर प्रश्न, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? अभी हमने प्रश्न बताया, फटाक से आंसर दो चार नंबर प्रश्न का उत्तर। देखते कितने बच्चे बता पाते हैं, चार नंबर प्रश्न का उत्तर कितने बच्चे बता पाते हैं। चलो बिल्कुल करेक्ट, रामदास जी को। अभी मैं बता ही के जा रहा हूं यार, रटवा रहा हूं चीजों को ना, मजा आएगा तुम्हें। चलो आगे देखो भैया, आगे तुम्हें देखना है जबरदस्त तरीके से। क्या देखोगे भाई? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मनजी 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 कह रहे हैं। तो फटाक से बताओ भैया, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है दो, कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। किसकी? आदि ग्रंथ की। और मनजी पता क्या है? मनजी के भाई साहब कौन है? अमरदास जी। क्योंकि जब अमरदास जी के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि इन्होंने एक साथ 22 गद्दियों की स्थापना थी, और एक गद्दी पर एक प्रमुख बैठता था, याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब बच्चे बात करते आगे की तरफ,
छह नंबर सवाल कहता है, किस सिख विद्रोही, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? राजकुमार खुसरो किसके बेटे थे? तो याद रखिएगा, ये थे जहांगीर के। और खुसरो का कहना था अपने पिताजी से कि बप्पा, ये जायदाद जमीन सिंहासन सब हमारे दादा ने हमें दी है, तुमको बैठने का हक नहीं, मतलब अकबर ने मुझे दी है। और जहांगीर को ये बात चुभ गई और खुसरो की सहायता कर दी किसने भाई साहब, किस सिख गुरु ने? तो याद रखिएगा, उन सिख गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने भाई साहब उस सिख गुरु की सहायता, मतलब ये ऐसे सिख थे जिन्होंने इनकी सहायता की, जिसके बदले जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया। क्लियर? सी ऑप्शन, मतलब तीसरा नंबर का ऑप्शन याद रखना। चलो बच्चे, बात करते हैं आगे की तरफ। सात नंबर प्रश्न, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया, का संकलन किसने किया? अभी मैंने बताया कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। क्लियर? चल फिर बात समझो। जो बच्चे अभी भी त्रिशूल बैच की तैयार, त्रिशूल बैच का नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर सकते हैं कहां पर? स्टडी पाई एप्लीकेशन पे। और अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे कॉल कर लो, आप त्रिशूल बैच को लेके ज्वाइन कर लोगे। स्टडी पाई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, यहां पे फ्री में आप क्विज भी डाउन खेलो। चल आगे भैया, आठ नंबर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया किन सिख गुरुओं को? तो अभी हमने बताया गुरु अर्जुन देव ने सहायता किसकी की थी? राजकुमार खुसरो की, जिसके कारण इनको किसने मरवा दिया भाई साहब? जहांगीर ने। और यहीं पे याद रखिएगा, जो ये गुरु तेग बहादुर है, इनको किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने। क्यों मरवा दिया भैया? इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था और ये सिखों के नवे गुरु थे, नवे नंबर के, और ये सिखों के पांचवें नंबर के गुरु थे। ये भी याद रख लेना कि कौन से नंबर के गुरु थे जिनको जहांगीर ने मरवाया। तो भाई साहब वो पांचवें नंबर के गुरु थे जिनका नाम अर्जुन देव था। और कौन से नंबर के गुरु थे जिनको औरंगजेब ने मरवाया? वो भाई साहब नवे नंबर के गुरु थे, तेग बहादुर, इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने कारण। अब सब बच्चों से कहना चाहते हैं कुछ नहीं, बस अच्छे से प्रश्न करो। चल नौ नंबर देखो। नौ नंबर जब देखोगे, किस सिख गुरु की मृत्यु, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो अभी मैंने बताया गुरु तेग बहादुर भाई साहब, जो नवे नंबर के सिख गुरु थे, इनकी मृत्यु के लिए औरंगजेब क्या है? जिम्मेदार है, पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। कौन? औरंगजेब। इस्लाम धर्म को स्वीकार ही नहीं किया इन्होंने। फिर आगे दस नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? किस प्रसिद्ध स्थान पर सिख गुरुद्वारा स्थित है? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ। राजीव बाबू कह रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री कब चालू किया? ये देखो, आइस बिलौटा आए हैं ही, बिलौटा बनी के कब चालू किया? बालक, मेरा बच्चा, मेरा पूत, मेरा लल्ला, पता कब चालू किया रहे? जब मिडवल हिस्ट्री समाप्त भे रहे है ना, तब चालू किया है। तो अब क्या करियो तुम, जाओ शुरू तो सब वीडियो देख लो, तब एमा पढ़ो आए, मजा तुमका पूरा आई है, आइस मजा तुमका पूरे लूसेंट का कौनो जगह ना मिली। ठीक लल्ला, चलो यो वाला प्रश्न आवा
नहीं आवा। तो अब आई निम्न मैसा किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। भाई साहब आपको पता होना चाहिए, बहुत बेहतरीन से जबरदस्त प्रश्न आता है। ये देखो हंसे ला गया, इतना हंसी हो खीसे बघार बघार है भाई साहब, खीसे बघार दो ना मामला पूरा मजा आ जाए है ना। चलो फिर बात समझो भाई साहब, हेमकुंड नामक स्थान कौन सा जिला? चमौली जिला। कौन राज्य? यूके, अरे यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड वाला। ठीक है उत्तराखंड वाला, बिल्कुल जबरदस्त। देखो 10 प्रश्न तुम्हारा चौकस बिल्कुल झक्कास हुई है। अब एक काम कर दो भैया, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। एसआई का तैयारी करना और आप बिहार पुलिस में, तो बिरजू जी काहे इतना फड़फड़ा रहे हो? जाओ और स्टडी पाई डाउनलोड करो, बिहार एसआई का विजयी भाव बैच ज्वाइन कर लो। जितने बिहार के बच्चा हैं सबके खातिर बिहार एसआई के लिए विजयी भाव बैच है। कौन सा बैच? विजयी भाव बैच, याद कर लो। चलो क्लियर, फिर बात समझो जबरदस्त। फिर भाई साहब 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल जबरदस्त है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ रहे? तो तुम बताओ पटना में जन्म हुआ रहे गुरु गोविंद सिंह जी का, कब हुआ रहे? 1699 मां। यो काहे बता ले यो? क्योंकि भैया आजे तो पढ़े हो बे, तुम आजे तो पढ़े हो है कि नहीं? आजे तो पढ़े हो। देखो शर्मा शर्मा डी कह रहे हेमकुंड सर आपने पढ़ाया ही नहीं। बालक एक चीज बताओ, पंडित को मंत्र तो आते हैं बहुत सारे, क्या तुम्हारी शादी में सारे मंत्रों उगल जाता है? ना बालक ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो जहां जरूरत पड़ती है तब लगाता है, जो जरूरत नहीं पड़ती है तब लगाता है, और कुछ चीजें होती हैं अलग माध्यम से सीखो। तो भाई साहब कुछ चीजें हैं प्रश्नों के माध्यम से भी तो सीखोगे, वरना बड़े परेशान रहोगे है कि नहीं भाई? यार बेइज्जती कर देते यार। चल इतनी बात समझ आ गई। नानक जी का जन्म बतावर है तलवंडी माहौल है, ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है चलो क्लियर भाई साहब। आकाश 12 नंबर प्रश्न, आ जा मेरे बच्चे, इतना मौज से तुमको पढ़ाते तब भी यार नहीं होता है ना। किसकी समाधि के कारण नादेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? और आपको पता होना चाहिए जब भाई साहब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या होती है कब? 1708 ईस्वी में। कहां पर? नादेड़ में। तो उन्हीं की समाधि स्थल पर एक गुरुद्वारा बन जाता है। और ये नादेड़ कहां पड़ता है? तो भाई साहब महाराष्ट्र में पड़ता है नादेड़, और भाई साहब वहीं पे गुरुद्वारा बन जाता है। किसकी समाधि स्थल पर? तो गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है चलो जय सरस्वती माता। अगला प्रश्न सभी बच्चे करें। आ गया, आ गया है जबरदस्त। गुरु गोविंद सिंह जी की महानता किसमें निहित है भाई साहब? किसमें निहित है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये प्रश्न अगर तुम नहीं बता पाए ना, मामला भाई साहब बिगड़ जाएगा। चलो तो सबको पता है उन्होंने सिखों की सैन्य व्यवस्था का गठन किया, एक प्रकार से भाई साहब खालसा पंथ। क्लियर चलो
क्लियर है, जबरदस्त। फिर बात समझ लेना। अगला प्रश्न समझो मेरे बच्चे, 40 नंबर। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई, मजा आ रहा हो ना? तो मजे दवाई जा, तुम लोग हमारे लेते हो ना, ले लो भाई। चल आ गया, बिल्कुल मेरे बच्चे। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? तो सबको पता है मेरे लल्ले, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। सैनिक व्यवस्था का ट्रांसफर किसमें? खालसा पंथ में। क्लियर है? चलो भाई, इतने मौज से सिखा रहे हैं, अब पता तुमको क्यों आ रहे हैं आज? क्योंकि पूरा सिख धर्म तुमने कंप्लीट किया है, ऐसे थोड़े आती कोई चीजें। अगला 15 नंबर, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? खालसा पंथ भाई साहब कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न। तो खालसा पंथ भाई साहब कितने पहले प्रारंभ हुआ? तो खालसा पंथ मेरे बच्चे, मेरे लल्ले, 1699 ईस्वी में क्या हुआ था? बना था। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ क्या हुआ था? बना था। क्या हुआ था? बना था। तो अब यही पे प्रश्न बन के आता है कि भाई कितने वर्ष पहले? तो यहां से लगभग मानता हूं 1700 ये है, और प्रेजेंट टाइम चल रहा है 2021। तो अगर मैं बात करूं 2021 और 1700 की, तो 300 का फर्क है। कहने का मतलब है 2021 में अगर 1699 घटा दें, 11 में 9 गुवा 2 बचा, 11 में 9 गुवा 2 बचा, फिर यहां पर बात करें 9 में 6 गुवा 3 बचा, मतलब टोटल अभी तक का 322 साल पहले बना रहे। तो वे 400 तो पूरे नहीं थे, तो लगभग मैं आंसर कितना लगाइयो? 300 साल पहले का लगाइयो, 300। ठीक है, चल फिर मेरे बच्चे, क्यों परेशान होता है मेरे लल्ले? निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो सबको पता है भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। अगला, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अरे छपा छपाया प्रश्न आ गया यार, गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के? 10वें। क्योंकि और अंतिम और 10वें एक बात एक ही है, क्योंकि भाई साहब 10वें और अंतिम वही बात है। ठीक है, चलो आकाश दोहरे भैया, हम सोमवार से शुक्र तक का पढ़ाई थे, ये याद कर लेनो, कब से कब तक? सोमवार से शुक्रवार तक। चलो आगे समझो, खालसा के संस्थापक कौन थे? अरे यार, गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक कौन थे भैया? गोविंद सिंह। ठीक है, चलो फिर बात समझ लेना, अंतिम प्रश्न, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव था। क्या था? लक्षण देव। और महेश दास किसका नाम था? बीरबल का था। बीरबल का नाम था मूल नाम महेश दास, और लक्षण देव नाम था किसका? भाई साहब लक्ष्मण, बंदा बहादुर। तो इस प्रकार हमारा तुम्हारा मिलन यहां पे हो गया, समझ में आ गया है ना? चलो उम्मीद करते हैं सब बच्चों को बड़े तगड़े तरीके समझ में आया होगा। आया ना बच्चे? तो मेरे बालक, मेरे लल्ले, मेरे बच्चे, पूरी की पूरी क्लास हो गई ओआरएच की। अब मैं आपको मिलूंगा कब?
तो कल तारीख कितनी है? कल तारीख है 3 अगस्त 2021 7:07 कहां पर? भैया चैनल की स्पेलिंग याद कर लो, फिनिक्स एकेडमी, मेरी जान, मेरा स्वाभिमान, मेरी आन बान शान। ठीक, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना है, मजा आ गया। ठीक है, चलो फिर बात समझ लेना। जिन बच्चों ने अभी भी हमारा एप्लीकेशन स्टडी पाई को डाउनलोड नहीं किया अपने मोबाइल में, डाउनलोड कर लो, क्योंकि राघव सर यहीं मिली है। ठीक, और सबसे बढ़िया अगर बैच बता दे पूरा फुल्ली जीएस पढ़ने का हमसे, तो त्रिशूल बैच नाम है भाई साहब, त्रिशूल बैच, सबकी नैया पार करने वाला बैच। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो तो बच्चे मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब तुमको कमेंट करके बताना है, अभी वीडियो समाप्त होने के बाद, और कमेंट बहुत कम आते हैं यार, पता है दिल में छेद मारते हो। कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी, मेरे मन को लगी तेरे प्यार की रीति। तो भैया आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। साथियों विदा लिया जाए, जाने का दिल तो नहीं करता है बट जाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।